समर्थन मूल्य की खरीदी के गेहूं के उठाव में लापरवाही बरतने वाले रंगा बिल्ला के नाम से चर्चित ठेकेदार का मुद्दा विधानसभा में भी उठा। घटिया के कांग्रेस विधायक रामलाल मालवीय ने सवाल खड़ा किया कि जब रंगा बिल्ला समय पर गेहूं का परिवहन व उठाव नहीं करता है, उसकी लापरवाही से हजारों क्विंटल अनाज खराब होता है, तो फिर उसे ठेका क्यों दिया जाता है। पिछले साल जिले में समर्थन मूल्य की गेहूं परिवहन का ठेका रंगा बिल्ला जगदीश व गणेश अग्रवाल ठेकेदार से जुड़ी परिवहन कर्ता मेसर्स दीपेश कुमार एंड सन्स जिला उज्जैन एवं परिवहन कर्ता मेसर्स शारदा रोड लाइन्स के पास था। इन एजेंसियों ने खूब लापरवाही बरती थी। इनके द्वारा समय रहते केंद्रों से अनाज का परिवहन नहीं करने पर 13,500 टन खुले में रखा गेहूं बारिश के कारण खराब हो गया था। एजेंसियों की लापरवाही पर प्रशासन ने इन पर 5,05,00,000 रुपए पेनल्टी लगाई थी। इसके अलावा जिला उपार्जन समिति ने इन्हें ब्लैक लिस्टेड करने की अनुशंसा की थी। इस प्रस्ताव को कलेक्टर ने अपने हस्ताक्षर से मार्कफेड शासन को भेजा था। शासन स्तर पर उक्त कार्रवाई विचाराधीन है। बावजूद इस वर्ष भी फिर से रंगा बिल्ला से ही जुड़ी एक अन्य फार्म मेसर्स रश्मि अग्रवाल को अधिकारी रतलाम का ठेका दिलाने के प्रयास में है। ऐसे में विधायक मालवीय द्वारा विधानसभा में सवाल खड़ा करना जायज माना जा रहा है।